पांच अनाथ बहनों का पत्तों का घर और फर्नीचर। माँ देखो, मैंने आपके लिए गाना याद किया है। अच्छा, क्या गाना है? सुनाती हूँ। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ दीदी, आपको भी ये गाना याद है? बिल्कुल, आखिर ये हमारी माँ से इतना मेल जो खाता है। मेरी बच्चियाँ बहुत ही प्यारी हैं। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी सुंदर। अरे इन बहन का अंतिम संस्कार कौन करेगा भाई? अरे भाई कोई भी कर दो, वैसे भी इन बहन का ना तो पति है और ना ही कोई बेटा। नहीं, क्या हुआ अगर मेरी माँ का कोई बेटा नहीं है तो? इनका अंतिम संस्कार इनकी बेटियाँ कर देंगी। बेटा ये काम लड़कियाँ नहीं करती हैं, और तुम्हें यहाँ शमशान घाट में आने किसने दिया? जाओ तुम घर जाओ। रुक जाओ, कौन कहता है कि स्त्री शमशान घाट नहीं आ सकती है? जब इन बेचारी बहनों का कोई भाई नहीं है तो अपनी माँ को अग्नि ये बच्चियाँ ही देंगी, और कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाओ बेटियों, अपनी माँ को अग्नि दो। कमला ने पांचों बहनों को आगे कर दिया। कमला गांव की एक नामी ग्रामी औरत थी जिसके आगे बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। जैसे कमला ने कहा सभी ने वैसा ही किया। पांचों बेटियों ने ही अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी की, लेकिन चिता को अग्नि देते वक्त क्या हुआ बच्चियों? काकी, ये चिता तो आग ही नहीं पकड़ रही है, क्या करे? अरे नहीं, वो सीलन का मौसम है ना, तो लकड़ियां भी सील रही है। हम तो जानते थे अंतिम संस्कार स्त्री के हाथों संपन्न हो ही नहीं सकता है। अरे दीदी, हो सकता है कि इससे बात बन जाए। तारा ने वहीं पेड़ों पर से कुछ पत्ते तोड़ लिए और उन्हें चिता में रखा। ये क्या था तारा? दीदी, मैंने माँ की ही तरकीब आजमाई है। जब माँ का चूल्हा नहीं जल पाता था तो वो पत्तियों को जलाकर लकड़ियों को आग देती थी, इससे चूल्हा जल जाता था। चलो अब हम माँ की चिता को अग्नि देते हैं। पांचों बहनों ने पत्तियां रखकर अपनी माँ की चिता को अग्नि दी। इस जुगाड़ से चिता में बहुत ही अच्छी आग जली। अंतिम संस्कार के बाद पांचों बहनें कमला के साथ घर आ गईं। माँ के बिन पांचों बहनों का मन उजड़ा हुआ था। लगभग एक हफ्ता तो यही सब रहा, लेकिन जब अपनी माँ की परछाई पांचों के ही मन में धुंधली सी पड़ गई, तब उन्हें अपनी जरूरतें याद आईं। दीदी, मुझे ना रास्ते में टीचर मिली थी, बोल रही थी कि फीस लेकर हम स्कूल आ जाएं, वरना वो हमारा नाम काट देंगी। हाँ, बहुत दिन हो गए स्कूल गए हुए। माँ थी तो रोजाना ही स्कूल के लिए जगह दिया करती थी। क्या हुआ अगर माँ नहीं है तो? तुम्हारी बहन तो है ना, कल को तीनों स्कूल चली जाना, फीस का इंतजाम भी मैं कर ही दूंगी। दीदी, अब तो सारे माँ के जोड़े हुए पैसे भी खत्म से हो रहे हैं, अब हमें कोई काम भी करना होगा ताकि हमारा गुजारा चल सके। मैं जानती हूँ, मुझे मत सिखा। दीदी, मैं तो बस आपको एक आम सी बात बता रही थी, आप बेवजह ही इतनी अकड़ क्यों रही हैं? तू तो मुझे ऐसे बता रही है जैसे कि मैं ये सब जानती ही नहीं हूं। शायद हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। अगर हम बड़ी बहनें ही ऐसे लड़ाई करेंगी तो हमारी छोटी बहनों को कौन संभालेगा? तारा, प्लीज मत रो। माँ भी चली गई और अब आप लोग भी लड़ रही हो, प्लीज मत लड़ो ना। नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। पांचों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद अब वो पांचों ही एक दूसरे का सहारा थी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। दोनों बड़ी बहनों ने बाहर एक बड़े घर में सफाई का काम ढूंढ लिया। अब उसी के जरिए पांचों बहनों की जिंदगी टुकड़ों में कट रही थी। ना उनके घर में ठीक से राशन रहता था और ना ही कुछ और। गौरी, आज क्या बनाया है? दीदी, आज तो बस आटा ही था, मैं दाल बनाने की सोच रही थी लेकिन वो खत्म हो गई। तो इसका मतलब आज बस खाने में रूखी रोटी ही है? नहीं नहीं दीदी, मुझे और नीमा को एक आइडिया आ गया था। जैसे माँ बनाती थी ना घास और पत्तियों का साग, हमने भी आज वही बनाया है। क्या, माँ जैसा? हाँ, आइए मिलकर खाते हैं। पांचों बहनें खाना खाने बैठ गईं। अभी वो खाना खा ही रही थी कि धूप उन्हें परेशान करने लगी। अरे नहीं, एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। देखो ना दीदी, अब हमारी छत भी खराब हो गई है। क्या किया जा सकता है, छत को सही करवाने में तो बहुत पैसे लग जाएंगे। नहीं दीदी, हम चाहें तो सस्ते में भी एक जुगाड़ कर सकते हैं।
कैसा जुगाड़? जैसे पत्तियों से हम इतने काम करते हैं और ये फ्री भी आती है, वैसे ही हम चाहे तो पत्तियों से ही अपनी छत को भी सही कर सकते हैं, पत्तियों का छप्पर डालकर। अरे वाह नीमा, क्या आइडिया दिया है! नीमा का आइडिया सभी को पसंद आ गया। फिर क्या था, पांचों बहनों ने पत्तियां इकट्ठा की और साथ मिलकर एक छप्पर बना दिया। मिलजुल कर काम करने से मुश्किल काम भी आसानी से हो गया और उन्होंने अपने घर में आने वाली धूप से भी छुटकारा पा लिया। अरे वाह, नीमा के आइडिया ने तो हमारी टेंशन ही खत्म कर दी। अब देखो घर में धूप जरा भी नहीं आ रही है। शुक्रिया दीदी। पांचों बहनें अपना छप्पर सही करके काफी खुश थी, लेकिन उनकी जिंदगी में तंगी भी तो बरकरार थी। तीनों छोटी बहनों के स्कूल से बार बार फीस भरने का तकादा हो रहा था और गर्मी में पांचों बहनें भी परेशान थी। एक दिन तारा बैठी हुई पत्तियों से पंखा बना रही थी। क्या कर रही है तारा? दीदी स्कूल में बहुत गर्मी लगती है तो इसीलिए मैं ये पंखा बना रही थी। ये मेरा है और एक मेरी सहेली का, उसने मुझे ये बनाने के लिए 2 रुपए भी दिए थे। अरे वाह, 1 मिनट। अरे हाँ, तारा की बात से ही गौरी को आइडिया आ गया और जब शाम को उसकी बहनें घर आ गईं, तब वो उनसे बोली, शगुन दीदी, बानी दीदी, मेरे मन में एक आइडिया आया है। देखिए आप बाहर काम करती हो लेकिन फिर भी हमारे घर का गुजारा नहीं चल पाता है, तो क्या हम तीनों बहनें भी कोई काम कर लिया करें? तुम क्या काम करोगी? दीदी जैसे हमने पत्तियों का छप्पर बनाया, वैसे ही हम पत्तियों से चीजें बनाकर बेच भी सकते हैं, जैसे लकड़ी पर पत्तियां लगाकर पंखा बनाना और भी वगैरह वगैरह चीजें, और ये सब कुछ फ्री में ही तैयार हो जाएगा। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं दीदी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो तो करो, मुझे परेशानी नहीं है। तीनों छोटी बहनों को इजाजत मिल गई। फिर क्या था, अगले ही दिन उन्होंने पत्तियों से छोटा छोटा सा फर्नीचर जैसे कि पटरे, स्टूल, पंखे वगैरह बना दिए। वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये सभी चीजें बनाकर तीनों बहनें उन्हें बेचने निकल गईं और बड़ी बहनें अपने काम पर चली गईं। बहुत ही जल्दी उनका सारा सामान बिक गया था। अरे नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, मुझे भी पत्तियों का सामान खरीदना था। उदास मत होइए, हम कल यहाँ फिर आएंगे। अगले दिन फिर से तीनों बहनें वहाँ अपना घास का फर्नीचर बेचने गईं। बहुत ही जल्दी आज भी उनका सारा सामान बिक गया और लोगों की ज्यादा सामान के लिए डिमांड होने लगी। जब बड़ी बहनों ने भी ये देखा तो उन्होंने भी अपनी बहनों का साथ दिया। उन्होंने और चीजें बनाई जिनसे उनकी अच्छी कमाई होने लगी और देखते ही देखते पांचों बहनों के दिन बदल गए। अब उनके पास अच्छा घर था और सुख सुविधाएं थी और अब पांचों बहनें खुशी खुशी रहती थीं।